नगर निगम के पद पर कार्य करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने आज अपने कार्यालय के 3 साल पूरे होने पर पीलीकोटे स्थित कैंप कार्यालय पर नगर निगम की सफलताओं को याद करते हुए नगर निगम के विकास की यात्रा के 3 साल बेमिसाल होने पर केक काटा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे एवं नगर विधायक रितेश गुप्ता के साथ साथ सभी पार्षदगण एवं बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन सबके बीच महापौर विनोद अग्रवाल ने अपनी कार्यकाल के तहत हुई उपलब्धियों के बारे में बताया और यह कहा कि आगामी कार्यकाल में भी जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें जल्द पूरा करने की कोशिश रहेगी। इस मौके पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुरादाबाद शहर को स्मार्ट सिटी में लाने के लिए विनोद अग्रवाल ने जो कार्य किए हैं वह काफी सराहनीय है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद का नाम स्मार्ट सिटी में आया। इस मौके पर नगर आयुक्त संजय चौहान, पूर्व MLC जयपाल सिंह व्यस्त, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अध्यक्षा प्रिया अग्रवाल, इसके साथ महानगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद महानगर के लोगों के द्वारा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को माननीय विनोद अग्रवाल जी के नेतृत्व में दिया, उसे इस सत्र में आज 3 वर्ष पूरे हुए। तो 3 वर्ष के कार्यकाल में विनोद जी के नेतृत्व में आप सबने इस महानगर के विकास के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम लोगों पर, राजनीतिक लोगों पर जनता के आशीर्वाद और स्नेह का जो पैमाना है उसका पैमाना भी इस बार मुरादाबाद महानगर की जनता ने हम लोगों को बहुत स्नेह दिया। पर मुझे लगता है पहली बार महानगर के चौथे पांचवें चुनाव में बोर्ड में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और उसके आधार पर अपने सभासदों के साथ मिलकर, सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर माननीय विनोद जी के नेतृत्व में मुरादाबाद नगर निगम ने ऐतिहासिक काम किए हैं। आम जनता से जुड़े जितने भी विषय हैं उनको समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो शहरीकरण का विस्तार हुआ है और उस विस्तार में नए नए क्षेत्र जुड़े हैं, नई आवश्यकताएं जन्मित हुई हैं, तो उन आवश्यकताओं के हिसाब से भी हमें कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ना है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मुरादाबाद की जनता की अपेक्षा के अनुसार काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। मुरादाबाद महानगर में भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरी ओर से माननीय निगम जी को, मेयर साहब को, मुरादाबाद नगर निगम के सभी सभासदगणों को, भाइयों बहनों को, सभी अधिकारियों को, सभी मीडिया के लोगों को मेरी ओर से इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग मिलकर मुरादाबाद की समस्याओं के समाधान के प्रति सजग रहें। हम सबके नेता उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री चौधरी साहब, लोकप्रिय MNC आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह जी, लोकप्रिय मेयर आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, सम्मानित पार्षद, सम्मानित आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद बहुत विस्तार से हम लोगों को पीला क्यों लगवा लिया, सब पीला आ रहा है। उनके बाद कुछ कहने के लिए बचा नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कार्यक्रम का नाम 3 साल बेमिसाल है, मेरे को लगता है कि 20 साल बेमिसाल होना चाहिए। 20 साल से लगातार भैया साहब उनका परिवार मुरादाबाद की सेवा कर रहा है और जो भी विकास की गंगा भाई है वो आदरणीय भैया साहब उनके परिवार के द्वारा बहाई गई है। वीना जी ने बहुत काम किया, बहुत विकास किया, आज हम लोग के बीच में नहीं है लेकिन उनको सदैव सब लोग याद करते हैं। उनके विकास के पीछे भी आदरणीय विनोद जी का हाथ था, चेहरा वीना जी का था लेकिन काम सब विनोद जी करते थे। उनका विनोद जी का बचपन रहा कि कभी कभी सामने नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से उनको काम करते हुए देखा है, बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं इस
अवसर पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आदरणीय गुरु जी इन्हें सब विस्तार से सब लोगों को आशीर्वाद और बधाई दे दी है, तो उनके बाद कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद अग्रवाल जी के नेतृत्व में 3 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आज ये एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी, माननीय शहर विधायक जी, माननीय MLC साहब, महानगर अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित सभी माननीय सभासदगण, देवियों, सज्जनों और पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम की एक औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने महापौर महोदय से ही अनुरोध करूँगा कि वो बुके देकर आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। क्या कहेंगे आज 3 साल पूरे होने के बाद में कि जश्न मनाया गया है 3 साल बेमिसाल का? आज नगर निगम मुरादाबाद में स्वर्गीय महापौर श्रीमती वीना अग्रवाल जी के स्वर्गवास के बाद 2016 और 17 एक कार्यकाल गुजरा था। उसके बाद 18 जनवरी 2018 को दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। आज पूरे 3 वर्ष हो चुके हैं। एक स्वप्न देखा था वीणा जी ने, उस स्वप्न को पूरा करने में मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी की प्रेरणा से अपने महानगर के समस्त पार्षदों के सहयोग से महानगर की विभिन्न विकास के कार्यों को संपूर्ण किया है। आने वाले 2 वर्षों में कुछ कार्य अभी पूरे होने हैं। एक अटल घाट का निर्माण स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अभी काम स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, वो भी सब काम स्टार्ट होने हैं। परंतु इन 1100 दिन में 1100 काम, जिसमें 800 सड़कें और 200 काम पेयजल से संबंधित, इसमें हमने पानी की टंकी हो, हमने जो बड़े पंप लगवाए हैं वो हैं, और स्ट्रीट लाइटों का काम करा, पार्कों का निर्माण कराया, स्वच्छता के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा एक सफाई का बेड़ा नगर निगम की टीम में शामिल हुआ। आने वाले टाइम में इसका परिणाम भी महानगर की जनता को देखने को मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस धारणा के साथ बिना भेदभाव के महानगर के 70 के 70 वार्डों में समस्त मेंबरों के साथ मिलकर इस कार्य को कराए जा रहे हैं। आप सब पत्रकार मित्रों का भी मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से समय समय पर हमें समस्याओं से भी अवगत कराया और साथ में समाधान भी सुझाए और जो हमने कार्य किए उनकी प्रशंसा भी की। सबका धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, जय हिंद।